हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, कैसे लिखें और ये जो YouTube का डिस्क्रिप्शन है वो कहां होता है, पूरी जानकारी मैं यहां पर दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम चले जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर और गूगल क्रोम के अंदर जाके मैं ले लेता हूँ नई टैब। यहाँ पर हम लिख देते हैं youtube.com। जैसे ही आप youtube.com को सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आता और सीधा आप YouTube की एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में तीन डॉट हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप वेबसाइट जो है उसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर राइट साइड में आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, हम इस लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम YouTube स्टूडियो में चले जाते हैं। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक पेंसिल बनी हुई है और स्टार कुछ बने हुए हैं, ये कस्टमाइजेशन का आइकन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो, तो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर तो हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं क्रिएटर मोटिवेशन, और उसके बाद नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन। ये आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन है, इसको आप अबाउट सेक्शन भी कह सकते हैं और यहाँ पर आप अपने चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब आपको इस सेक्शन में क्या लिखना है इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपका मोटिवेशन का चैनल है तो आप लिख सकते हैं कि इस चैनल पर आपको रोजाना मोटिवेशन से संबंधित कॉट्स, शायरी, कहानियाँ, घटनाएँ सारी आपको मिलेंगी, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी का चैनल है तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं कि इस चैनल पर आपको रोजाना टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस मिलेंगे, जिसमें YouTube, Instagram, Facebook, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन सारे ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपका एजुकेशन का चैनल है तो जिस फील्ड में आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम के वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो डालते हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सी डिश बनाना सिखाते हैं, अगर आप पंजाबी सिखाते हैं, गुजराती सिखाते हैं, साउथ इंडियन सिखाते हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये डिटेल डालने से आपका चैनल जो है सर्च इंजन में जल्दी आ जाता है और लोगों को सर्च करने में भी आसानी होती है। तो सिंपली आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया डेली मोटिवेशनल वीडियो और यहाँ पर ऊपर है पब्लिश, तो यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे। जैसे ही हम इसे पब्लिश कर लेते हैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगा। चलिए ये डिस्क्रिप्शन आपको कैसा दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ क्रिएटर मोटिवेशन। यहाँ पर मैं फिल्टर करूँगा चैनल्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है अभावों में जीना स्वभाव बन गया है। अभी मैंने जो लाइन डाली है उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप घंटे पर बाद देखिएगा कि वो भी लाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। पर इस तरह से जब भी आपका कोई चैनल सर्च करता है तो इस तरह से आपको आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका यूट्यूब से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।